हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे हमारे टॉक्सिक प्लांट्स के बारे में। टॉक्सिक प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें हम एक एक चीज उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉक्सिक प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा अभी हमारा जो ऑर्गेनिक इरिटेंट प्लांट पॉइजन है उसका लास्ट पॉइजन है ग्लोरियोसा सुप्रेवा, जिसे हम मैंथोनी की जंग, ये इसका थोड़ा अजीब सा नाम है, आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। ये हमारा अफ्रीकन फ्लेम लिली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन एलिगेंट क्लाइंबिंग प्लांट विच बिलोंग टू द ग्रुप लिली, ठीक है, एंड ग्रो ऑल ओवर द इंडिया। इट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग लिली एंड वाइल्ड एकोनाइट, दो नाम से जानते हैं, वाइल्ड एकोनाइट, ठीक है, एकोनाइट भी इसी को बोलते हैं। वाइल्ड एकोनाइट वाला कौन सा, ये क्वेश्चन वाइल्ड एकोनाइट का आपका एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। इट्स फ्लावर एट द एंड ऑफ द रेन, जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो रेनी रेनी सीजन के बिल्कुल एंड में आपके आते हैं। देखो कितना प्यारा देखने को मिल रहा है, रेडिश कलर का, ग्रीन कलर के लिए, इवन दो कलर के आपको देखे, बहुत प्यारा सा लगता है। लोग घर में इसको डेकोरेशन के उसमें भी रुकते हैं। तो ये हमारा लिली की तरह है पर वाइल्ड एकोनाइट है, जो कि पॉइजनस होता है बहुत ज्यादा। देखो ये इसका पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा लार्ज ट्री हो जाता है, उसके ऊपर आपको ये फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इवन देखो ये रेडिश कलर का है, ये येलो कलर का भी देखने को मिल गया। तो ये बहुत सारे कलर का, देखो इस साइड में स्पाइक्स निकले हुए हैं, ऊपर बिल्कुल फ्लावर्स कली निकली हुई है। तो ये आपका प्लांट होता है, इसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल सेंटर में होते हैं, जो कि आपके लिए ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें इसकी पॉइजनस होती है। द रूट ऑफ दिस प्लांट आर हाईली पॉइजनस, जो इसकी रूट्स होते हैं, जो कि वीडियो में तो दिखी ही नहीं, जितनी भी फोटोज मैंने दिखाई हैं, तो इसके रूट है वो प्लांट की बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। एंड कंटेन द एक्टिव प्रिंसिपल, जो आपका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, टॉक्सालबुमिन हो गया, कोई ऑयल हो गया, तो वो उसी के उससे निकलता है। रूट्स आर यूज फॉर सुसाइडल एंड होमिसाइडल, दोनों पर्पज से यूज किया जाता है, सुसाइडल एंड होमिसाइडल। इट्स ट्यूबलस रूट कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूबर्स यूनाइटेड एट राइट एंगल, दस कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एकोनाइट। तो ये इसके जो ट्यूबलस रूट होते हैं, ट्यूबर टाइप के, है ना, एक बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे आपको रूट देखने को मिलेंगे, ट्यूबर कहीं ट्यूबलस हो गया एक तरह से रूट, जिसके अंदर आपको टू ट्यूबर यूनाइटेड होते हैं राइट एंगल पे, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको एक एकोनाइट के प्लांट से। इट इज यूज एज अडल्ट्रेंट ऑफ एकोनाइट, अडल्ट्रेशन जो हम एकोनाइट पॉइजनिंग में मिलाते हैं, अभी एकोनाइट में पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये उस जैसा रिजेंबल करता है बट ये वो है नहीं। तो इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है, सुपरविन इज अ ग्लाइकोसाइन और कोल्चिसिन इज एन एल्कलॉइड। इसका जो एक्शन होता है, कोल्चिसाइन जो होता है प्रोड्यूस मस्कुलर इरिटेबिलिटी, जो मसल्स में इरिटेशन होती है, ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, वही इसका लोअर द बॉडी टेम्परेचर आपका डाउन कर देता है, पूरा टेम्परेचर बॉडी का डाउन कर देता है। ये वाला एक्शन अभी तक आपने कहीं भी पीछे नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, इमिडिएटली जैसे ही आपने इसे इंटेक किया है वही इमिडिएटली इफेक्ट देता है, इंजेक्शन होने के बाद वही बर्निंग होगी, नमनेस होगी, माउथ टू थ्रोथ आपके वही इरिटेशन हो रही है, नोजिया हो गई, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लड स्टूल, आपको सलाइवेशन हो गया, थ्रस्ट हो गया, भूख प्यास लग गई, ठीक है, स्वेटिंग होगी, स्पैजम ऑफ मसल्स हो गया, कोमा, कन्वर्जन, सर्कुलेटरी कोलैप्स, और एट द लास्ट इसमें होते जो डेथ होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर से आपको देखने को मिलते हैं। फेटल डोज 15 से 20 ग्राम दी जाती है, इसकी जो रूट होती है, और फेटल पीरियड 12 से लेकर 24 घंटे में पर्सन मर जाता है। ट्रीटमेंट वही गैस्ट्रिक लवेज दिया जाता है विद वार्म वाटर, आपके स्टमक से चीजें बाहर निकाल जा रही है, ग्लूकोज सलाइन दिया जाता है, वही सपोर्टिव मेजर्स जो आपका सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम अपेयरेंस देयर आर नॉन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, ऑल द इंटरनल ऑर्गन कंजस्टेड होते हैं, जैसे सब में होता है, लंग्स विल बी कंजस्टेड, और एडमिटेशन जो एयर सैक है उसमें लिक्विड वगैरह फिलअप होना, ब्रेन में भी कंजस्टेड, ब्रेन भी कंजस्टेड हो सकता है, मे बी, ठीक है, मे बी याद रखना, पार्ट ऑफ द रूट मे बी सीन इन द स्टमक, वही रूट के छोटे मोटे पार्ट आपको दिख। सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉइजनिंग क्या होते हैं, या आपके सुसाइडल एंड होमसाइडल पर्पज में यूज किया जाता है, एक्सीडेंटल जो पॉइजनिंग होती है वो भी इसके अंदर ऑकर हो जाती है। केमिकल टाइप, द एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इवेपोरेटेड, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है बॉडी के अंदर से उसको क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करके इवेपोरेट किया जाता है, टू द रेजिड्यू एड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जितना रेजिड्यू उसके अंदर बच गया उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिससे क्या होता है डीप येलो कलर का आपको शो हो जाता है, और आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपको कौन सा वाला पॉइजन है, ठीक है।
अब हमारी यहाँ वीडियो खत्म होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द अपकमिंग वीडियोज एंड अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट माई वीडियोज. और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तो आप इस वीडियो के नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पे लेगा. और हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल भी है फॉर एन एग्जाम के नाम से, और उसके जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. तो जल्दी से जाइए, इनको सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पे सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा है कि यहाँ पे क्यूज एंड जो अपडेट्स होती है मेरे चैनल की वीडियोज की, वो आपको टाइम से पहले मिल जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.